सांस लिया हूँ। कितना पागल हूँ, अभी इतना पागल हूँ मंदोगर तक प्रशासन तक पहुँच जाऊ। अगर है किसी में दम तो शेयर कीजिए बात को आगे। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मुआव हो रहा है। मोदी जी मेरा बात ध्यान से सुनिए, मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ। चैनपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था, मेजरगंज में मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ मैं सुरक्षित लेके गया था। कोई साधन कोई प्रसाधन मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिया है। मैं उसको बोला एम्बुलेंस दो इसको सीतामढ़ी ले जाने के लिए, तो कोई मेरे को गाड़ी नहीं दिया है, एम्बुलेंस नहीं दिया है। मेरा बेटी देखो, बेटी बचाओ का आप ऐलान करके रखा है, बेटी बचाओ नहीं बेटी मुआव कर रहे हो आप। मेरा बेटी को मार दिए हो आप मेरे बेटी को मुआ दिए हो। देखो ये उंगली में सबूत सांप काटा है। मैं यहाँ पे बांध के और हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ और बोला हूँ कि इसको बढ़िया से ट्रीटमेंट कीजिए, तो दो सुइया हलाया है और पता नहीं कौन सा सुइया हलाया है। सीतामढ़ी ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, टेम्पुल में लेके गया हूँ, मेरा बेटी आधा रास्ता में मर गया है। आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, यही सरकारी हॉस्पिटल है, मेरे को किडनैप कर लीजिए। आइए मैं गलती बोल रहा हूँ तो पूरा समाज पूरा सबूत मेरे साथ है। देखिए मैं लाश लिया हूँ, बेटी बेटी को लाश लिया हूँ। कितना पागल हूँ, अभी इतना पागल हूँ मंदोगर तक प्रशासन तक पहुँच जाऊ। अगर है किसी में दम तो शेयर कीजिए बात को आगे। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मुआव हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। मेरा बेटी को सांप काट लिया तो इसको इलाज नहीं होगा। डेढ़ घंटा तक मेरा बेटी जिंदा रही है, डेढ़ घंटा बोलता हूँ सॉरी, आधा घंटा तकरीबन 40 मिनट तक मेरा बेटी जिंदा रही है। एम्बुलेंस नहीं मिला मेरे को, अभी स्टॉप पर शेयर करो।